जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ यह कि दोस्तों सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल और एएसआई की दोस्तों फिजिकल डेट आ गई है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आपका जो फिजिकल होने वाला है कब से शुरू होने वाला है। स्टेप वन में दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड आएगा तो स्टेप वन में दोस्तों क्या क्या होने वाला है उसकी डिटेल जानकारी दोस्तों हम आपको देने वाले हैं। और किस डेट से दोस्तों आपके फिजिकल शुरू होंगे और किस डेट से दोस्तों आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो सारी डिटेल जानकारी दोस्तों हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फिजिकल डेट की, किस डेट में दोस्तों आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि आपका HCM और ASI का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, उसके बाद में जो आपका स्टेप वन के लिए एडमिट कार्ड, जो फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आ रहा है तो उसमें फिजिकल में क्या क्या होगा, आपकी कितनी रनिंग होगी, हाइट कितनी मांगी जाएगी, चेस्ट कितना मांगा जाएगा, और साथ ही आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले, तो इन सभी टॉपिक पर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपके फिजिकल डेट की और एडमिट कार्ड की, कि आपका जो फिजिकल है वो कब से शुरू होने वाला है, किस डेट से दोस्तों आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो 30 जनवरी से दोस्तों आपके जो है इसके फिजिकल शुरू होने वाले हैं। तो जनवरी के लास्ट वीक में ही दोस्तों आपके जो एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड दोस्तों आप सभी के ऑनलाइन आएंगे। तो किस तरीके से दोस्तों आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना उसकी जो है अलग से हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल दोस्तों आपकी जो डेट है वो 30 जनवरी फिक्स कर दी गई है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं अब आपकी जो आपका स्टेप वन के लिए एडमिट कार्ड आएगा तो स्टेप वन में आपका क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट की हुई हैं। स्टेप वन में दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो आपका HBT यानी कि फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आने वाला है। तो फिजिकल में दोस्तों आपका HBT टेस्ट होगा और PHT टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो HBT में दोस्तों आपकी हाइट मापी जाएगी, PHT में दोस्तों आपका चेस्ट और वेट मापा जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों आप सभी के जो सारे डॉक्यूमेंट वो चेक किए जाएंगे। तो आपके जो HBT में जो हाइट मापी जाएगी दोस्तों, वो मेल कैंडिडेट की जिसमें हाइट मांगी गई है वो 1.65 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है मेल कैंडिडेट की, और पहाड़ी क्षेत्र से यदि आप आते हैं तो आपकी हाइट जो है 1.65 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यदि आप ST कैंडिडेट तब भी आपकी हाइट 1.65 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद में यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो 1.55 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप ST कैंडिडेट है या पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 1.50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये दोस्तों आपकी HBT की बात हुई। उसके बाद में PHT में आपका चेस्ट मापा जाएगा और आपका वेट मापा जाएगा। तो मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर नॉर्मल क्षेत्र से, या पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं या ST कैंडिडेट तब आपका जो चेस्ट चाहिए वो 76 सेंटीमीटर चाहिए। दोनों के लिए 5 सेंटीमीटर चेस्ट जो है फुलाना कंपलसरी है। यदि आप फुला नहीं पाते हैं 5 सेंटीमीटर चेस्ट को तो आपको जो है वहां पर फेल कर दिया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आपका हाइट का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, चेस्ट का भी बता दिया है। तो सिर्फ दोस्तों आपका जो है जो आपका एडमिट कार्ड आ रहा है फिजिकल के लिए उसमें आपकी हाइट ही नापेगी और चेस्ट वेट ही मापा जाएगा, आपकी इसमें रनिंग नहीं है। ध्यान से सुने दोस्तों, आपकी जो है हेड कॉन्स्टेबल में या ASI में रनिंग नहीं है, सिर्फ दोस्तों आपका HBT टेस्ट और PHT टेस्ट होगा वहाँ पर। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों अभी से तैयार कर लें, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो बनवा लें। तो दोस्तों इसमें जो डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट इसमें लगने वाली है। उसके बाद दोस्तों आपका आधार कार्ड, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई और ID लेकर जा सकते हैं जिस पर आपका फोटो लगा हो, जैसे कि पैन कार्ड या DL। उसके बाद दोस्तों आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में EWS सर्टिफिकेट, यदि आपने EWS का फॉर्म भरा है तो, और आपके पास दोस्तों 8 से 10 फोटो आपको वहां पर लेकर जाने होंगे। इतने सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको लेकर जाने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस टोटल मैं आपको बता दूँ, स्टेप वन में आपका फिजिकल होगा ये जो आपका 30 जनवरी को कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद में जो कैंडिडेट स्टेप वन में क्वालिफाई होंगे उनका 3 से 4 मंथ बाद में स्टेप टू में दोस्तों आपका रिटर्न एग्जाम होगा, और जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे स्टेप थ्री में दोस्तों उनका स्किल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। इस तरीके से दोस्तों आपका जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, एक बार दोबारा से इसको मैं बता देता हूँ। आपका जो एडमिट कार्ड आ रहा है दोस्तों वो फिजिकल के लिए आ रहा है। फिजिकल में आपकी हाइट, वेट, चेस्ट मापा जाएगा, आपकी इसमें रनिंग नहीं है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक किए जाएंगे। तो बाकी दोस्तों आपका कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लगातार जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय जय भारत।